क्या होता है अगर जब राजकुमारी को आम आदमी से प्यार होता है। ऐसा ही कुछ हुआ था 1953 में रिलीज हुई रोमन हॉलिडे मूवी में। तो मूवी की कहानी कुछ ऐसी है, यूरोप के एक देश की राजकुमारी होती है जिसका नाम एन होता है। बाली उम्र की शरारती राजकुमारी अपने टाइट टाइमिंग शेड्यूल से परेशान होती है। इस टाइम पे ये करो, इस टाइम पे वो करो, बहुत परेशान होती है वो। एक बार वो रोमन विजिट पर जाती है और परेशान होकर कंट्री एम्बेसी से भाग जाती है। भागते वक्त बीमार होने की वजह से डॉक्टर ने उसे भागने से पहले इंजेक्शन दिया था, इसलिए थक कर वो सड़क के बगल में बेंच पर सो जाती है। तब एंट्री होती है हमारी कहानी के मेन हीरो की, जिसका नाम जो ब्रैडली होता है और वो एक पेशे से रिपोर्टर होता है। हाँ हाँ, न्यूज लिखने वाला। घर जाते वक्त जो राजकुमारी को देखता है लेकिन पहचान नहीं पाता कि लड़की कौन है। जो सोचता है कि लड़की नशे में पड़ी है, कोई दूसरा इसका फायदा उठाने से पहले मैं उठा लूं, मतलब लड़की को उठा लूं। जो लड़की को उठा के संभल कर अपने घर ले जाता है। राजकुमारी रात भर वही रुक जाती है। सुबह लेट उठने के वजह से जो राजकुमार को बिना उठा ही काम पर चला जाता है। काम पर आते ही जो का खड़ूस बॉस बोलता है कि क्यों लेट आए। तब जो बोलता है कि कल रात में राजकुमारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था इसलिए लेट हुआ। तब बॉस बोलता है कि झूठ बोलने वाले तेरी पैंट फटे, कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी क्योंकि राजकुमारी बीमार है, ऐ देख न्यूज़। तब न्यूज़पेपर में जो राजकुमारी की तस्वीर देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि जिस लड़की को वो रात को घर लाया था वो दूसरी तीसरी कोई नहीं बल्कि वो खुद राजकुमारी है। तब जो के मन में लड्डू फूटते हैं। वो सोचता है कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर कुछ पैसे कमाए जाए, इसलिए वो अपने फोटोग्राफर दोस्त इरविंग को फोन करता है। हाँ हाँ, उस जमाने में भी फोन थे। जो उसे बोलता है कि मेरे घर पर एक खास मेहमान है, तुम उसकी चुपके से फोटो खींचता जा। बाद में वो अपने खड़ूस बॉस से शर्त लगाता है कि वो राजकुमारी का सबसे बड़ा इंटरव्यू लेके आएगा। शर्त ये होती है कि अगर उसने इंटरव्यू लाया तो बॉस उसको $5,000 देगा, नहीं लाया उसको बॉस को $500 देना पड़ेगा। और वो भागते हुए अपने घर आता है। सबसे पहले फोटो देखकर ये कंफर्म करता है कि यही राजकुमारी है और उसे उठाता है। जो राजकुमारी को बोलता नहीं कि वो रिपोर्टर है। राजकुमारी भी अपनी पहचान छुपाती है, सिर्फ अपना नाम बताती है एन। जो उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें रोम घुमाता हूँ। तब राजकुमारी बोलती है कि नहीं, मुझे घर जाना है। और वो अकेले घूमने निकलती है और अपने आजादी का पूरा फायदा उठाने लगती है। वो रोम के आम लोगों की जिंदगी देख खुश हो जाती है कि आम लोग कैसे जीते हैं। आगे जाकर वो अपने बाल भी छोटे करवाती है। ये सब जो देखता है जो उसका पीछा कर रहा था और अचानक उसके सामने जाकर उसे ऐसा फील करवाता है कि वो उसे इत्तेफाक से मिला हो और वो एन को अपने साथ घूमने के लिए पटा लेता है। फिर जो उससे इसी नकली इत्तेफाक से अपने फोटोग्राफर दोस्त इरविंग से भी मिला देता है। उसके बाद जो और एन रोमन घूमने जाते हैं। जो उसे रोम की बहुत सारी फेमस जगह घुमाता है। घूमते वक्त उनके साथ कुछ फनी सीन भी हो जाते हैं। दोनों काफी मजे करते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। खुश होकर एन जो से अपनी मन की बात बोलती है। वो बोलती है कि बहुत सारी जिम्मेदारी और कड़क नियमों से फ्री होकर एक आजाद जिंदगी जीना चाहती है। ऐसा बोलकर वो अपना मन हल्का करती है। इस दौरान इरविंग राजकुमार के चुपके से फोटो निकालता जाता है। इसके बाद एन खुद स्कूटर चलाकर शहर में हल्ला मचा देती है। तभी उनको पुलिस पकड़ लेती है। इरविंग और जो चुपके से अपना अपना प्रेस वाला कार्ड दिखाकर पुलिस वालों को पटा लेते हैं। उसी रात वो तीनों एक बोट पर जाते हैं जहाँ गाना और पार्टी होती है। वही सरकारी एजेंट राजकुमार को ढूंढते हुए वहाँ आते और राजकुमार को पकड़ कर ले जाते हैं। तभी जो और इरविंग एजेंट से मुठभेड़ करके एन को वहाँ से भगा लेते हैं। उसके बाद जो एन को अपने घर ले आता है। इस दौरान वो दोनों बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। तब दोनों को ऐसा फील होता है कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। वो दोनों भी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन इनको पता है कि वो एक राजकुमारी है और राजकुमार का इस तरह आम जिंदगी जीना लगभग नामुमकिन है, इसलिए वह जो से इमोशनली इजाजत लेकर वहां से जाने लगती है। लेकिन खुद राजकुमारी होने की बात उसे पता नहीं होने देती। राजकुमारी को जाता देख जो उसे एक जैसे देखने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि राजकुमारी मुड़कर देखेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो चली जाती है। राजकुमारी वापस अपने एम्बेसी लौट आती है। दूसरे दिन जो के बॉस को पता चलता है कि राजकुमारी बीमार नहीं थी बल्कि एम्बेसी से भाग गई थी, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई थी। और बॉस को लगता है कि हो ना हो जो के पास राजकुमार की कुछ ना कुछ स्टोरी जरूर है। लेकिन जो उसे बोलता है कि उसके पास कोई भी स्टोरी नहीं है और उसे राजकुमार के लापता होने के बारे में कुछ नहीं पता। तभी फोटोग्राफर इरविंग वहां पर राजकुमार के फोटो लेने मतलब देने आता है। जो का चेहरा देखकर इरविंग समझ जाता है कि अपना दोस्त राजकुमार के प्यार में पागल है और इसलिए वो राजकुमार के फोटोज बॉस को नहीं दिखाता। तब वो बॉस परेशान होता है और जाने से पहले बोलता है कि तुम्हारे पास कोई स्टोरी नहीं है तो कल राजकुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो अटेंड करके स्टोरी बनाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन आता है। तब राजकुमारी को पूछा जाता है कि रोम आपको कैसा लगा। तब राजकुमारी दिल से बोलती है कि रोम सच में रोम है। पहले तो वो जो और इरविंग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे आगे देखकर चौंक जाती है, लेकिन जो के आंखों में आंखें डालकर वो बोलती है कि वो रोम विजिट की यादें हमेशा अपने दिल में बसेगी। तब राजकुमारी अचानक बोलती है कि वो पर्सनली सभी प्रेस वालों से मिलना चाहती है।
जब राजकुमारी एक एक से मिलकर जो और एरविंग के पास आती है तब एरविंग उसे एक लिफाफा देता है। जब वो लिफाफे में वही फोटो देखती है तब हल्की सी स्माइल करती है। जो के सामने राजकुमारी आते ही जो खुद का परिचय देता है। राजकुमारी मुस्कुराकर आगे चली जाती। सब रिपोर्टर को मिलने के बाद राजकुमारी वापस अपने रूम में चली जाती है। सब रिपोर्टर भी चले जाते हैं लेकिन जो उधर ही खड़ा रहता है राजकुमारी की एक झलक देखने के लिए। पर राजकुमारी अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। थोड़ी देर रुकने के बाद जो भी वहां से जाने लगता है ये सोचते हुए कि राजकुमारी वापस आ जाएगी और अपनी एक झलक दिखाएगी, पर ऐसा नहीं होता और नहीं आती। और जो के इसी सोच के साथ मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मूवी के बारे में बोला जाए तो उसको 3 ऑस्कर मिले थे और 9 के लिए नॉमिनेशन हुआ था। ज्यादा जानने के लिए आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।